यार मुझे पता लगा कि जो हमने मुर्गी बिठाई हुई थी अंडों पर, उसके अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे निकल चुके हैं। आइए चलते हैं, जाके दिखाते हैं आपको वो चूजे माशाल्लाह से किस तरह प्यारे लग रहे हैं। आपको इंतज़ार नहीं करवाते क्योंकि मैं खुद बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ देखने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं कितने बच्चे निकले हैं और कितने खूबसूरत हैं और कैसे निकले हैं। चलिए दिखाते हैं जी। ये रहे जी हमारे प्यारे प्यारे चूजे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं, ये भी चीख है। ये साइड पे कर लेते हैं। ये जितने भी अंडे, मुझे लगता है ये अब अंडा ज़ाया हो गया शायद, आई थिंक सो। इसके अंदर से तो नहीं बचा निकला, साइड पे कर लेते हैं। ये दो अंडे रहता है फाड़े के, ये इसमें से अंडे नहीं निकले यार, इसमें से बच्चे नहीं निकले। ये जी ये शेल निकला हुआ जी, ये शेल निकले हैं। और जी ये क्या जी, ये भी शेल है। ओहो ये क्या, ये देख सकते हैं जी पूरा अंडा तैयार है और ये बच्चा नहीं निकला यार, शिट यार, ये क्या हो गया बेचारा। मतलब हमारे 8 अंडों में से ये भी अंडा फर्टाइल था बिल्कुल, 8 अंडों में से जी निकले हैं जी 4 बच्चे। तो 4 बच्चे आपको दिखाते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा चूज़ है जी, कितना प्यारा चूज़ है। ये देख सकते हैं जी माशाल्लाह किस कदर प्यारा है। ब्लैक आइज में लग रहा है माशाल्लाह से, अपने बाप पर गया बिल्कुल जी। आपको सारे चूजे दिखाता हूँ। एक चूज़ा किधर गया जी, किधर गया, तो इसको देख लिया हमने, इसी को देखा था हमने, या चेंज था। ये दो ब्लैक है हमारे, दो चूजे ब्लैक निकले हैं जी, एक ब्राउन निकला है। ये ब्राउन आ गया शायद, ये ब्राउन 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 ब्राउन, ये ब्राउन आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह किस कदर प्यारे हैं जी चूज़े, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको बुरी नज़र से बचाए, आमीन। और जी एक और किधर गया जी, वो देखें जी अपनी माँ के नीचे कैसे छुपे हुए पड़े हैं, देख सकते हैं जी आप। ये शेल निकाल लेता हूँ, ये वाला मैं एक शेल ला नीचे, ये शेल है जी एक, ये निकाल लिया मैंने। एक और चूज़ा दिखाता हूँ, पता नहीं कितने छुपे हैं। ये देखें जी ये हैं जी 4 चूज़े माशाल्लाह से। ये वाला चूज़ा रहता है दिखाने वाला, ये वाला चूज़ा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा है यार, देख सकते हैं जी आप, आप इसकी टांगे देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलिए यार अब ना ये सीन करना पड़ेगा कि ये ईंटें हटानी पड़ेंगी मुझे, और ये वाला बास्केट जो होगी ना ये हटानी पड़ेगी। हटानी किस वजह से पड़ेगी, क्योंकि चूज़े इस इधर से बाहर निकल सकते हैं, और बाहर निकलेंगे तो ये माँ बिल्ली तो है नहीं जो अपने बच्चों को उठा के इधर कर देगी, तो बच्चा पूरी रात भी इधर पड़ा रह सकता है और ठंड भी लग सकती है क्योंकि मौसम इस तरह का। ये देख सकते हैं कि ये चीज़ें जालियाँ वगैरह इसकी ओपन है तो ठंड आ सकती है, और बेशक अगर बंद भी हो तो फिर भी यहाँ से ठंड आ सकती है। तो चलिए ये ईंटें वगैरह हटाते हैं और इनका यहाँ पे प्रॉपर सेटअप बनाते हैं इसी जगह पर, ताकि ये खा पी भी सकें यहाँ पर और जी अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकें अपनी माँ के साथ। ये देखें दोस्तों, ये मैंने पानी शहद वाला पानी बना दिया अपने छोटे चूज़ों के लिए, तो ये इसमें पानी पियेंगे। इसको मैंने यूँ कर दिया, ये देखें जी इसमें पानी आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। अब मैं ये छोटे चूज़ों के पास लेके जाऊंगा, मेरे छोटे चूज़े इसको बहुत शौक से पियेंगे, दिखाता हूँ आपको। ऐसा करता हूँ कि मैं चूज़ों को इसके पास लेकर आता हूँ ताकि पानी पी सकें। पानी पियो पानी पियो पानी पियो पानी पियो,
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब देखें माँ पी रही है तो शायद अब ये भी पियेंगे। पियो पियो पियो, शाबाश शाबाश। पानी पियो, मीठा मीठा पानी है, शायद वाला पानी है ये। इसके अंदर डालते हैं बाजरा, इमें इसके अंदर डालते हैं जी बाजरा, और इधर रखते हैं ये बाजरा भी शौक से खाएंगे। और तू चुप करके इनका ख्याल तो ना ठीक रखना है, ठीक है, ख्याल इनका सही तरह रखना है बच्चों का। इसको उठाते हैं जी, इस वाले चूजे को इसको जो लेकर आते हैं, इसको कोई पानी पीते हैं। चल पानी पी शाबाश जी। ये मैं बाजरा ले आया हूँ, अब ये बाजरा खाएंगे। देखें जी मुर्गी तो आ गई है, बच्चे भी इसको इसको देखा देखी आएंगे। इधर आ जाओ छोटो, छोटे चूजो इधर आ जाओ। अच्छा मैंने ना ये चीज़ इनकी हटाती है, ये जो मैंने इधर ईंटें रखी हुई थी इस जगह पर, और जी और ये बाल्टी थी, और ये मैंने बाल्टी हटा के ना ये मैंने सारा यहाँ पे दूरी कर दिया ताकि ना इस जगह पे रहे। वो बच्चा जब नीचे उतरता था ना नीचे जगह से, तो मैं कल सुबह उठा था तो बच्चा एक यहाँ पर था इस वाली जगह पर, तो जिसकी वजह से जी वो चूँ चूँ कर ही जा रहा था और माँ को कुछ आइडिया नहीं था। और अगर यहाँ पर बिल्ली होती तो बिल्ली उठा के अपना बच्चा अपने पास ले जाती, लेकिन मुर्गी ऐसा नहीं करती। मुर्गी के पास जब बच्चा आता है तो उसको अपने अंदर लेती है, परों के अंदर लेती है, अदरवाइज़ ये ऐसे नहीं लेती। तो ठीक है ना, तो ये अब इसको मैंने ऐसे कर दिया, ये बच्चे इधर घूमे फिरेंगे इंशाल्लाह, इंजॉय करेंगे। ये दाना इनका मैंने यहाँ पर ला के रख दिया, और ये इनका पानी आ गया, खुद ही खाया पी लेंगे यहाँ से। और जी हमारे ब्राउनी और कोको को खाना जो इधर पड़ा हुआ है, तो अभी हम अपने ब्राउनी और कोको को छोड़ते हैं, इधर आके खाना खुना खाएंगे, दिखाते हैं जी आपको। और जी आज आपकी यही अपडेट है जी, आज हमने अपने चूज़े दिखाए हैं आपको, माशाल्लाह से कितने प्यारे हो गए हैं और एक दिन के हो चुके हैं हमारे चूज़े। तो उनको बस अब हम बाजरा डालेंगे, और बाजरा डालने के साथ उनको हम मीठा पानी पिलाएंगे। बस इनकी यही रूटीन रहेगी, जैसे कुछ 10 दिन के होंगे फिर हम इनकी डाइट वगैरह चेंज करेंगे। तो अभी इन सालों को भी खाना खुना डालना है मैंने, ये ब्राउनी और कोको को छोड़ते हैं अभी हम। हाँ जी ये देखें, इनको ऐसे कवर किया होता मैंने, ये देखें जी आ जाओ भाई। अब ये भागते हुए उसी जगह पर जाएंगे, ये देखें जी अब ये भागते हुए उसी जगह पर जाएंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये हमारे प्यारे से बटेर माशाल्लाह माशाल्लाह इतने खूबसूरत हो चुके हैं जी, इनको खाना खुना डालते हैं जी सारों को। ये मुर्गी का अंडा नहीं आ रहा, पता नहीं वजह क्या है इसकी। चलिए आपको पहले दिखाता हूँ जी, अभी लाइव भी रहूँगा मैं और आपको दिखाऊँगा कि ये ब्राउनी और कोको किधर गए होंगे, उसी जगह पर ही गए होंगे। देखिएगा आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी फटाफट इधर आ जाते हैं अपनी जगह के पास। हाय ब्रो कोको, तू तो मुझे काटता भी है, खाओ शाबाश खाओ, आप लोगों को ही खाना ये, खाओ खाओ शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो कब से भूखे हैं बेचारे। ये देख सकते हैं जी आप मेरी ब्राउनी का कान, ये कान बिल्कुल नॉर्मल है, ये आप देख सकते हैं जी ये कान बिल्कुल नॉर्मल है, और ये वाला कान आप देखें मेरी बच्ची का किस कदर ख़राब हो चुका हुआ है। ये दाना है जी, मैंने सोचा कि मुर्गी को खिला देता हूँ ये वाला दाना, बाकी सारे मुर्गी को मैंने खाना डाल दिया। और जी ये मुर्गियाँ खा रही है दाना तोड़ के अपने छोटे चूज़ों के आगे खा रही है, और जो छोटे चूज़े हैं जी वो खा रहे हैं नीचे से गिरा हुआ खाना। अभी इसके अंदर चले गए हैं, इसके परों के अंदर, अभी आएंगे बाहर तो फिर खाने लग जाएंगे। ये माँ ही इनका पेट वगैरह पालेगी। ये आ गया छोटा चूजा भाई जी। दोस्तों ये रही आज की वीडियो, अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अभी मैं जा रहा हूँ नमाज़ वगैरह पढ़ के, इंशाल्लाह जाएंगे जी मार्केट। एक बंदे से बात की हुई है मैंने जी, वो हमने देखना जी अपनी जगह के लिए केज लेकर आना, जहाँ पर हमें रखने हैं प्यारे प्यारे से बर्ड्स। तो अभी इधर नमाज पढ़ने के बाद उधर ही जाऊँगा और केज देख कर आऊँगा कि जो मेरी पसंद का केज है वो मुझे मिल जाए। यहाँ पे ला के हमने जी केज रखना है, यहाँ पर आ जाएगा जी केज, और ये वाला दाना जो है वो अभी इनको डाल देंगे अभी, और जो मेरी कैट्स हैं वो जी अपनी जगह पर बंद है। आना किसी ने बैठ नौ
कोई बाइट नहीं आएगा, ये अब इनको खुद पता कि हम शाम को आएंगे बाहर। भाई तुझे क्या हुआ है? चलो शाबाश खाओ आराम से। ये दरवाज़ा करते हैं जी बंद। जी दोस्तों ये रही आज की वीडियो, अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। तो अब आप दे मुझे इजाज़त, कल मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दिया मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।